ठीक है ले ले। ओम ब्रह्म ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म करम समाधिना स्वाहाम क्रतुरहं यज्ञा स्वदाहमहं रोषकम् पानी ले ले चावल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी शंकरानंद जी महाराज एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत जो हैं इस पुंछ की राजगुरु गद्दी पर बैठे जो कि पुंछ के राजाओं के गुरु थे और उनकी ही वजह से इस गद्दी का नाम राजगुरु गद्दी पड़ा है। तो उनकी पिछले साल हमने 50वीं वर्षगांठ बनाई थी बड़ी धूमधाम से। इस साल क्योंकि कोरोना का असर था और कोरोना की वजह से तमाम भारतवर्ष में जितने भी बड़े प्रोग्राम हैं वो नहीं हो सके, तो उसी रिवायत को कायम रखते हुए हमने भी यहाँ ना ही मुनादी कराई और ना ही कोई बड़ा प्रोग्राम किया। श्रद्धा के लिहाज से जो लोग आ रहे हैं वो उनकी आज जो हम वर्षी मना रहे हैं उसमें प्रसाद जो है ग्रहण कर रहे हैं। कोशिश की है कि जो एक रिवाज चल रही है उस रिवाज को तोड़ा ना जाए और प्रसाद जो है वो यहाँ वितरण हो रहा है। कल सुबह 8 बजे हमने यहाँ रामायण का पाठ रखा था, आज सुबह 8 बजे उसका भोग पड़ा और आज थोड़ा सा लंगर चल रहा है। जितने लोग आ रहे हैं जितने भी आएंगे उन सब के लिए जो भी मंदिर के अंदर आएगा वो लंगर का प्रसाद सकेगा और जाएगा ताकि ये रिवाज जो है बरकरार रहे। मैं क्योंकि ये काम करने से 2-3 बातें होती हैं, एक तो कहा है हमारे शास्त्रों में कि यज्ञ करने से क्या होता है कि वर्षा जो है बिल्कुल टाइम पर होती है, उपद्रव नहीं आते, बुराइयाँ नहीं आती। तो कोरोना वायरस से हमारा पुंछ बचा हुआ, मैं यही समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी दरगाहें हैं गुरुद्वारे हैं ऐसे मंदिर हैं इनकी वजह से हम बचे हुए हैं। तो उसी रिवाज को कायम रखते हुए आज हमने ये छोटा सा प्रोग्राम किया है। जय श्री राम।